देखिए, प्रयागराज पुलिस को कुछ दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि शहर में फिर से एक अंतर्राज्यीय असलाह तस्कर सक्रिय हो गए हैं, जो पहले भी इन तरीके के केसेज में इनका नाम आ चुका है। और आगामी पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग इन पे सर्विलांस रखे हुए थे, बहुत ही पैनी नज़र रखे हुए थे कि किसी भी प्रकार से ये इन असलहों को सप्लाई न करने पाए, जिससे कि अवांछनीय घटना कोई हो सके। इसी के क्रम में CO करछना के निर्देशन में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें थानाध्यक्ष घूरपुर और SOG प्रभारी यमुना पार, इन लोग ने दबिश दे करके और सूचना संकलन करके इनके घर से और इनके पास से लगभग 12 तमंचे और एक पिस्टल और तमाम जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इनका पुराना आपराधिक इतिहास है, ये खांडवा MP से वहाँ के जंगलों से असलहे लेकर के आते थे, और जहाँ पे भी डिमांड होती थी उसकी शहर में या अन्य आसपास के ज़िलों में, इवन बॉम्बे सूरत तक भी उसकी सप्लाई करते थे। 40 से 50 45 हज़ार रुपये तक इनको प्रत्येक असलहे पे मिल जाते थे। और जो पंचायत चुनाव है उसमें ये खासा इसका प्रकोप या कुछ ना कुछ संदिग्ध अवांछनीय घटनाएं हो सकती थी, इस कारण से इन्हें आज इनके जो माल बरामद हुआ है उपयुक्त धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। एक और जो काम ये करते थे कि जहाँ पर भी डिलीवरी होनी होती थी, जिस भी धर्मशाले या किसी होटल में अगर डिलीवरी करते थे, तो वहाँ पे फर्जी ID लगा करके कमरे लेते थे, जिससे कि कोई भी इन्हें ट्रेस न कर पाए जब बाद में ये चेकआउट करके निकले। कितने सालों से ये ऐसा काम कर रहे थे, और इतनी भारी संख्या में अगर तमंचे मिले हैं तो और भी ग्रहों में लोग होंगे क्या, उसके लिए भी धरपकड़ चल रही है? जी देखिए, हम लोगों ने जो भी इनका प्रोडक्शन साइड है और जो डिमांड साइड है, उनमें से कुछ नाम हम लोगों ने ऑलरेडी चिन्हित कर लिए हैं, कौन लोग हैं जो इन पे डिमांड प्लेस करते हैं, पैसे देते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं कि हमें तमंचे चाहिए। उनके नाम हम लोगों ने इनसे पूछताछ में ले लिए हैं, वो ऑन रिकॉर्ड हैं। और कहाँ से ये लेकर के आते थे, कौन प्रोडक्शन करता था, उस साइड के भी हमारे पास 2-3 नाम हैं। हम लोग उन पर अपनी ऑलरेडी एक सर्विलांस की टीम गठित की जा चुकी है, जो उनका मूवमेंट वगैरह ट्रेस कर रही है। बहुत जल्दी में भी और लोग गिरफ्तार किए जाएंगे अनमाल के साथ। अब तक कितना इन्होंने तमंचे बेचे होंगे अब तक के? देखिए, ये जो सबसे पहले इन्होंने काम चालू किया था अवैध, इसका वो लगभग 10 साल पहले से चालू कर दिया था। पुलिस को इनकी जानकारी पिछले 4-5 सालों से थी, जब ये पुलिस ने इनको पकड़ के जेल भेजना चालू किया, जब इनके पास से माल बरामद चालू होना हुआ। अभी तक की पूछताछ में इन्होंने